इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। वैसे तो लखनऊ शहर में नवाबी दौर की आलीशान इमारतों का एक जखीरा है, जिनमें से कुछ धीमी मौत मर रही हैं, तो कुछ इमारतें आज भी ऐसी हैं जिनकी खूबसूरती और शानो शौकत बरकरार है। इनमें से एक है कैसरबाग परिसर के बीचों बीच स्थित सफेद बारादरी, जो आज शादी या खुशी के जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि ये शानदार सफेद इमारत दरअसल मातम मनाने के लिए बनवाई गई थी। अवध के 10वें और अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने सन 1847 में गद्दी संभाली थी। उन्होंने अपने जमाने में बड़े पैमाने पर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को बढ़ावा दिया, इसीलिए उन्हें लोगों का भरपूर प्यार भी मिला। गद्दी पर बैठने के फौरन बाद नवाब वाजिद अली शाह ने अपने सपनों का बाग यानी कैसर बाग परिसर बनवाना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि कैसर बाग परिसर उसी तर्ज पर बनाया गया है जैसे कि पवित्र कुरान में जन्नत का जिक्र किया गया है। सन 1848 और 1850 के बीच ये भव्य परिसर बनकर तैयार हो गया था। इसके निर्माण, सजावट और फर्नीचर पर कुल मिलाकर 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। कैसर बाग के भव्य परिसर में कई इमारतें और बाग हैं। कैसर बाग के पश्चिम दरवाजे और पूर्वी दरवाजे के बीच ही सफेद बारादरी स्थित है। बारादरी का मतलब है एक ऐसा भवन जिसके 12 दरवाजे हों। सफेद बारादरी सन 1854 में बनवाई गई थी। पहले इसका नाम कसर उल अजाह यानी इमामबाड़ा था। इमामबाड़ा वो जगह होती है जहां अजादारी अदा की जाती है, अर्थात वो जगह जहां करबला की जंग में शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की याद में मातम मनाया जाता है। सफेद बारादरी का रंग शुरू से ही सफेद है। इस पर दीवाने आम जैसी मुगल शिल्पकारी का प्रभाव देखा जा सकता है। बारादरी के अंदर शानदार झूमर और नवाबों की पेंटिंगें देखी जा सकती हैं। हर दरवाजे पर बड़ी सुंदरता से कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें फ्रांसीसी शिल्पकारी की भी झलक मिलती है। सफेद बारादरी के मुख्य हॉल में बलरामपुर के दो महाराजाओं यानी महाराजा मान सिंह और दिग्विजय सिंह की संगमरमर की मूर्तियां भी हैं। अंजुमन तालुकदार अवध नाम की संस्था बनाने में इन दोनों का बड़ा योगदान था। सन 1856 में अवध पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के मटिया ब्रुज में भेज दिया था। उसके बाद इस पवित्र सफेद बारादरी को अंग्रेजों ने अदालत में बदल दिया था, जहां नवाब के अफसरों, दरबारियों और रिश्तेदारों की अपीलें और दावों की सुनवाई होती थी। सन 1857 की बगावत के वक्त नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने कमान अपने हाथ में ले ली थी और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। तब सफेद बारादरी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मिलने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मुख्य हॉल के नीचे तहखाने को देखा जा सकता है। माना जाता है कि बेगम हजरत महल ने इसका उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अनाज के गोदाम के रूप में किया था। बाद में यानी सन 1923 के आसपास ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति समर्पण और वफादारी दिखाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सफेद बारादरी अवध के ताल्लुकदारों के अंजुमन को सौंप दी थी, जिसका नाम बदलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ अवध कर दिया गया था। आज भी सफेद बारादरी पर एसोसिएशन का ही मालिकाना हक है। मातम मनाने के लिए बनवाई गई सफेद बारादरी अपने शानदार इतिहास के साथ अब शहर के लोगों के लिए जश्न मनाने की पसंदीदा जगहों में से एक है।